नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ उनको। दोस्तों चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार के 2 करोड़ बच्चे हो रहे हैं परीक्षा में शामिल, तो चलिए इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा को शुरू करने से पहले रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर मिल जाए सबसे पहले। तो बिहार के सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा सोमवार से यानी कि आज से जो है आरंभ हो चुकी है। पहले दिन प्रथम पाली में कक्षा 1 से 5 तथा दूसरी पाली में 6 से 8 तक के विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक है। दूसरी पाली की परीक्षा जो है 1 बजे से 3 बजे के बीच में है। आज पहले दिन हिंदी और उर्दू की परीक्षा है। वार्षिक मूल्यांकन में कक्षा 1 से 8 तक लगभग 2 करोड़ विद्यार्थी शामिल हैं। सभी जिलों में एक ही शेड्यूल और पैटर्न से मूल्यांकन का कार्य संपन्न करना है। ये वो परीक्षा का रूटीन है जिसमें आप देख रहे हैं कि 10 बजे से 12 बजे तक 1 से 5 क्लास के एग्जाम होना है और 6 से 8 का जो एग्जाम है वो 1 बजे से 3 बजे तक है। 19 से 31 मार्च तक मूल्यांकन का काम चलेगा और विद्यालय में स्तर पर प्रगति पत्र का जो वितरण है उसका 5 अप्रैल से कार्यक्रम आरंभ होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।